your university of Sagar 1999 and also life member of the Association for Plant Taxonomy FPT 2011 and obtained honorary degree of FFPT at Dehradun. वैसे तो हम खटवा वासी आपसे परिचित हैं, आप श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस खंडवा के प्राचार्य पद से को सुशोभित करते हुए कार्य कर रहे हैं। आपने इंदौर के श्री गोविंद राम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बी मैकेनिकल ब्रांच से किया है। आपने एमटेक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऊर्जा एवं पर्यावरण अध्ययन शाला से किया है। आपने मैकेनिकल में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद खंडवा में श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस महाविद्यालय में 1 जून 2013 को अपना पदभार ग्रहण किया था एज ए प्राचार्य। इससे पूर्व आप इंदौर के GSITS सहित विभिन्न इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में अपना शैक्षणिक योगदान दे चुके हैं। इसके अलावा उद्योग क्षेत्र में भी आपका 10 वर्ष का अनुभव है। आपकी उपलब्धियाँ हैं, खंडवा के इस संस्थान में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का 100% परीक्षा परिणाम, जैसा कि हमें समाचार पत्रों से पता चलता रहता है, पिछले वर्ष 136 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों का तथा इस वर्ष 127 विद्यार्थियों का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ है। तीसरी बड़ी उपलब्धि है, आपने अध्यक्ष महोदय से कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव का पालन करते हुए भारतीय परंपरा के अनुसार अक्षत टोपी से तिलक लगाकर अंगवस्त्र एवं श्रीफल द्वारा आदरणीय सभापति डॉक्टर एस के महाजन Sir, rises from these or two days only.
साल में केवल दो ही दिन सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, बाकी या तो पूर्व उत्तर से उगता है या पूर्व दक्षिण से उगता है। केवल दो ही दिन ऐसे होते हैं, 21 मार्च और 22 सितंबर, थोड़ा एक आध दिन का मतलब पड़ता है, डिपेंड्स ऑन लीप ईयर, कि ये पूर्व दिशा से होता है, बाकी या तो पूर्व उत्तर से होता है या पूर्व दक्षिण से, वो कब कहाँ से होता है ये बात नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि दोपहर 12 बजे होती है, दोपहर 12 बजे नहीं, दोपहर का मतलब ये होता है कि सूरज हमारे सिर पर, आप यही सोचते हैं हम तो सूरज हमारे सिर पर कभी भी नहीं, सूरज हमारे सिर पर कभी भी रहता है, एक्सेप्ट उज्जैन, उज्जैन का जो पड़ता है वहाँ पे केवल सूरज एक ही सूरज सिर्फ ऊपर रहता है। कौन सा दिन है वो? एनीबडी नो द वर्ड? या ओके, इट इज 23rd of March, जब वो बिल से समझते हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये अगर ईस्ट है तो यहाँ से सूरज होता है, यहाँ से उगे तो पूरा का पूरा आएगा, पहले ईस्ट में आएगा, फिर ट्रैवल करेगा, फिर वेस्ट में जाएगा, फिर वेस्ट में और पीछे जाएगा, सॉरी आगे जाएगा, और फिर हासिल कितना ज़्यादा समय, अगर वो ईस्ट से राइट होता वेस्ट में सेट हो जाता तो 12 घंटे का दिन। अब क्योंकि ईस्ट के पहले राइट हो रहा है और वेस्ट के भी बाद में सेट हो रहा है तो 12 घंटे से बड़ा दिन हो गया, फिर तो गर्मी नहीं दिन 12 घंटे से पहले। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी यहाँ से उगना है और थोड़ा सा नॉर्थ दिल जाएंगे तो यहाँ से उगेगा और थोड़ा नॉर्थ दिल जाएंगे तो यहाँ से उगेगा और जाएंगे तो बिल्कुल सच है कि नॉर्थ पोल पे सूरज ईस्ट से नहीं नॉर्थ से राइज, इट इज वेरी क्लोज टू नॉर्थ, इट इट राइजेस फ्रॉम वेरी क्लोज टू नॉर्थ एंड इट सेट्स इन नॉर्थ, पूरा का पूरा 358 डिग्री का पूरा कोने चक्कर मारता है सूरज वहाँ पर, और नॉर्थ पोल पे तो 360 का चक्कर मारता है, इसका तो आप देख लीजिए किस समय का हो गया 24 घंटे, तो नॉर्थ पोल पे 24 घंटे का दिन हो गया। अब 24 घंटे का दिन हो गया नहीं, क्या हो गया रात तो होगी नहीं, वो सूरज अस्त ही नहीं, और दूसरा दिन हो गया, फिर अस्त नहीं हुआ, तीसरा दिन हो गया, ऐसा कितना समय देते हैं 6 महीने, तो 6 महीने तक नॉर्थ पोल पे रात नहीं होगी, उसी तरह 6 महीने तक दिन नहीं होगा। क्या नेक्स्ट? तो भाई मैंने कुछ काटा नहीं, सबसे लंबा दिन कितने का होगा नॉर्थ पोल का, मैंने 24 घंटे का होगा। तो अगर ठंडा की बात करें, हाँ पहले जैसे कि सर ने कहा था कि 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, डिपेंड्स ऑन दी डे, उसी तरह से 23 जून, 22 जून, 21 जून, ये सबसे बड़ा दिन, ये भी आता है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या होने जाते हैं? ठंडा में सबसे बड़ा जो दिन होता है जून में इसकी बात करें, वो 13 घंटे 27 मिनट 58 सेकंड का होता है, खंडवा से चूंकि हम लोग खंडवा से सूरज उगने का क्या मतलब था ये समझ लीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ उस साइंस में सूरज उगने का मतलब होता है उसका पहला किनारा देखना, जिसको कहते हैं सूरज का उगना, उसकी पहली अब किरण नहीं किनारा, ऊपर का किनारा वो देखा तो मेरे सनराइज, और जिस समय पहला किनारा सेट हो गया मतलब ऊपर वाला जो किनारा सेट हो गया उसको कहते हैं सनसेट, स्टार्ट फ्रॉम अपर लेयर एंड एंड विद नेक्स्ट लोअर लेयर उसको कहते हैं सनसेट, और सनसेट तो 13 घंटे 27 मिनट 58 सेकंड में होगा। अब हम आश्चर्य करेंगे कि इतना फिर कितना पास है, बहुत ही पास है, 125 किलोमीटर, इन थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ इंदौर में ये जो बड़ा दिन है ना, ये 13 घंटे 27 मिनट का नहीं, इंदौर में दिन थोड़ा सा बड़ा होता है, इंदौर में यहाँ सबसे बड़ा दिन 13 घंटे 29 मिनट का होता है, उसमें भी शायद 1 मिनट का था, एक मिनट 10 सेकंड का फर्क है। सबसे छोटा दिन है खंडवा में 10 घंटे 48 मिनट 10 सेकंड, ये होगा 21 दिसंबर। अब देखिए आप अखबार में देखिए बना, जैसे थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाइए,
जो दिन दिन बड़ा दिन होता है 13 घंटे 18 मिनट खंडवा से बड़ा, सबसे छोटा दिन 10 घंटे 29 मिनट का खंडवा से छोटा, और नॉर्थ ईस्ट में जाइए श्रीनगर में 14 घंटे 25 मिनट दिल्ली से भी बड़ा, छोटा दिन 9 पावर 56 दिल्ली से भी छोटा। फिर नॉर्थ ईस्ट में जाइए ताजपर यानी कजाकिस्तान के, कजाकिस्तान के अंदर रशिया के थोड़ा नीचे 15 घंटे 9 मिनट का, सबसे छोटा 9 घंटे 11 मिनट का, श्रीनगर से भी छोटा श्रीनगर से भी बड़ा। स्वीडन से जाइए यूरोप और ऊपर 18 घंटे 37 मिनट, यानी कि भाई 18 घंटे 37 मिनट का दिन है, आपको 6 घंटे की भी रात चाहिए 5.5 घंटे की भी रात, क्या करते होंगे लोग कैसे सोते होंगे, सबसे छोटा दिन वो कितना है 6 घंटे 4 मिनट का। स्वीडन में सुबह 4 बजे दिन उठता है और 4 और 8 रात को 10 बजे से पर्यावरण से क्या संबंध है इसके बारे में। नॉर्वे चलिए ओस्लो 18 घंटे 59 मिनट 19 घंटे का दिन, 5 घंटे का छोटा दिन, 5 मिनट। ग्रीनलैंड में चलिए जो कल एक शहर है वहाँ पे 23 घंटे 50 मिनट का दिन, क्या बचत 10 मिनट का केवल रात होती है वहाँ पर, 10 मिनट में नहीं पूरी 23 मिनट और 23 घंटे 51 मिनट 9 मिनट की रात, इधर 4 घंटे 6 मिनट का। और चिली में जाइए 16 घंटे 28 मिनट नीचे, चूंकि मैं साउथ पोल की बात करता हूँ और साउथ पोल में चलिए 22 सितंबर को जो दिन उगता है 22 सितंबर को वो 21 मार्च तक पूरा नहीं होता, सनसेट नहीं होता 21 मार्च। अब इसका पर्यावरण से क्या संबंध है, इसका पर्यावरण से ही संबंध है, मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ नॉर्वे ओस्लो, अगर 19 घंटे का दिन है और वहाँ पर रात नहीं हो रही है इसका मतलब एयर कंडीशनर कितने समय तक चलेंगे, बहुत लंबे समय तक एयर कंडीशनर चलेगा क्योंकि वहाँ पर थोड़े सूरज है सामने, तो जब ब्राइट डेज होते हैं तो नॉर्वे में एनर्जी की पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी पर कैपिटा, पर कैपिटा एनर्जी की खपत सबसे ज़्यादा होगी, तो कोयला सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो पर्यावरण पे जो इफेक्ट होता है वो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे एयर कंडीशन सबसे ज़्यादा है। और जब 6 घंटे की रात है सॉरी 6 घंटे का दिन है 4 घंटे का दिन है 20 घंटे की जब रात है तो वहाँ पर लाइट का क्या कंजम्पशन होगा, चलिए भाई फिर आपको जब अंधेरा है नेचर से पूरा अंधेरा दिया है तो आपको तो बीच भी चलाना है, तो नॉर्वे में दोनों ही सीजन में एनर्जी की खपत सबसे ज़्यादा है पर कैपिटा कंजम्पशन पर कैपिटा अमेरिका से भी ज़्यादा नॉर्वे, नॉर्वे इज हैविंग लिटिल मोर कंजम्पशन इन एनर्जी पर कैपिटा, लिटिल मोर देन अमेरिका का कंजम्पशन कर आप सोच चुके होंगे भारत से तो 7 टाइम्स है और बांग्लादेश से 17 टाइम्स। सो दिस इज द कंडीशन, ये सबसे छोटी दिन सबसे बड़े दिन क्यों होते हैं आपने देखा सूर्य यहाँ से उगता है यहाँ पे सेट होता है, तो भाई जब एक दिन 12 घंटे से बड़े बड़ा होना एक 12 घंटे से छोटा होता है तो 12 घंटे का भी कभी ना कभी तो होगा, एक तो मिड पोजिशन होगी तो जैसे कि सर ने कहा बिल्कुल ठीक है 23rd मार्च के आसपास एक 12 घंटे का दिन होता है और इधर 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन होता है, कैसे बराबर ईस्ट से सूरज उगता है एक अच्छे बादल की तरह ईस्ट से उगेगा वो एक सामने से आएगा और वेस्ट में सेट हो जाएगा। भौगोलिक परिस्थितियों से अलग अलग दिन होते हैं, जैसे भोपाल में 15 मार्च को होता है 12 घंटे का दिन जिसको कहते हैं इक्विनॉक्स, राजस्थान में बहुत ज़्यादा तेज युग है इसीलिए, तो राजस्थान के दो जिले में सबसे बड़ा सूर्य होते हैं, हाँ उससे भी बड़ा फिर नीमच में बनता सोलर पे ना अब तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो शायद 6 मिनट बाद आपको पता चलेगा नीमच मध्य प्रदेश के नीमच में भारत का एशिया का सबसे बड़ा सूर्य होते हैं। अभी जो टोंक जिले में है राजस्थान के वो उसका एरिया है 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर
यानी मैं भी इतना बड़ा सुंदर अब तो इतना तो नहीं बना होगा, सुंदर मुझे टू मिनट टू मिनट बनाते उसमें लगा है और वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट के दो ये करके हम खत्म करेंगे, टेक्निकल ज्यादा दिन नहीं जाएंगे। अब ये तो बहुत कि सरफेस कितना चाहिए हमेशा, सरफेस जो है सोलर पैनल तो बहुत कितना चाहिए, तो कनेक्ट करेंगे उसको। अब अगर सोलर मेरा सोलर पैनल अगर ऐसा है हॉरिजॉन्टल ऊपर से जो रेज आ उसको कनेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से आने वाली रेज़ को कैसे करेंगे, शाम के समय इधर से रेज़ आएंगे फिर कैसे करेंगे। तो मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि सोलर पैनल जो है वो सामने ऐसा हो, तो सामने से फिर लाइट सीधा सीधा परपेंडिकुलर नॉर्मल लगभग उसके ऊपर लगभग गिरेगी, ऐसा कर लेंगे तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर से आने वाले सोलर रेज को कनेक्ट करेगा, इधर से आने वाले को नहीं कर पाएगा, तो इधर से जो बोले आगे का हिंदू है ऐसा कर उसको यही करना पड़ेगा। इसका मतलब एक आदमी वहां पे रहना पड़ेगा जो पूरे समय तक सूरज को देखे और उसके तरफ सोलर रेज को घुमाए, ये तो ज्यादा कठिन बात है। ये हॉरिजॉन्टल जब है तब ऊपर की रेज को वो कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। उधर जब सूरज आएगा तो ऑटोमेटिक उठके सामने से आते आने वाली रेज को कलेक्ट, इसके पास आ ये कैसे झुकेगा, कितने घंटे का दिन है, घंटे के दिनों में कम समय के लिए सूरज सामने आएगा तो उसको सुबह 8 से लेकर शाम 4 तक के लिए सेट करना है। गर्मी के दिनों में सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक सेट करना, तो वो समय बदलता है। हम मोटर की स्पीड ऐसे एडजस्ट करते हैं कि मोटर चलती रहे और ये जो ट्रैकर है ये धीरे 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 सूरज के सामने है। ये इलेक्ट्रिकल ट्रैकिंग सिस्टम है, मैकेनिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे वो खेलकर जो ज़्यादा टेक्निकल बातों में जाएंगे, अगर सूरज की पोजिशन आपने देखी भारतीय दूर कर ले कैलकुलेट दोपहर को 12 बजे अगर दोपहर भी होती इसका मतलब रात के 12 बजे भी मध्यरात्र नहीं हो तो भूत वगैरह उस समय आएंगे डर बिल्कुल निकाल दी। 12 बजे मध्यरात्र नहीं होगी, इसलिए हम काफ़ी संध्या निकालते हैं, काफ़ी ध्यान करते निकालते हैं, तो जिसको देखते वो हमारा अल्टीमेट इशू है, वही की ऊर्जा देता है, वही चीज हमारे शरीर को देना पड़ता है। ईश्वर करे सूर्य अपने मौसम में सीखता है और सुबह से पहुँचा देता है। थैंक यू, थैंक यू जानकारी दी। उस महंगाई की जब सभी को मालूम नहीं थी, आपने एक उदाहरण दिया था कि सरकार हमको पैसा देती है तो दाल रोटी नहीं मिलती, पैसा देती है और हम उससे दाल रोटी खाते। इसी तरह से आपने ये समझाया इस उदाहरण से कि सूर्य हमें सोलर एनर्जी देता है और वह सोलर एनर्जी जो है वो किस रूप में आकर हमें लाभान्वित करती है, ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रकाश के रूप में मिल रही है या हीट के रूप में मिल रही है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रश्न, अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो सर यहाँ पर उपस्थित है। जल्दी से कोई प्रश्न है तो घर पे इसको सोलर सिस्टम को लगाया जाता है, इसकी कॉस्ट लगभग आज के लिए सोलर पैनल की जो कॉस्ट है वो 60 से 70 रुपये पर वॉट है, 70 रुपये पर वॉट। लाइटिंग सिस्टम अगर आप पूरा लगाएंगे तो ये कीमत जाती है 100 रुपये पर वॉट, यानी मुझे अगर 10 वॉट का एलईडी जलाना हो
तो ये 1000 रुपए का सिस्टम देना। अपने बाजार में देखिए एक एक वाट वाले एलईडी लाइट आजकल मिल जाते हैं 16 वो सस्ते में 50-50 रुपए में मिलते हैं, 100 रुपए में मिलेंगे। तो 100 रुपए पर वाट इसके हिसाब से आप हिसाब लगा लेंगे, आप बिना संकोच के सोलर सिस्टम लगा लेंगे आपको बरसों बरस चलेगा, 20 साल की तो गारंटी रहती है, उसके बाद भी चलता है क्योंकि 20 साल अभी हुए नहीं है आपकी इसमें इतने ग्रो नहीं किया। 100 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको बहुत आसानी से प्लेट कहाँ से नहीं होता क्योंकि आप एसटी के रहना पड़ेगा दक्षिण में रहना क्योंकि आपको सोलर कर तो वहाँ पर बच्चे आपसे बच जाएंगे ऐसा लगता तो नहीं उसके ऊपर चढ़ के उधर लोग के ऊपर लगता है अभी दिखता नहीं है। आप यू बी एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट आई वॉज कि ऐसा क्या है कि तो हमको अलग अलग तरह की जो लाइट मिलती है सब टाइम ग्रीन सब टाइम इट इज रेड तो क्या ये प्रिस्क्राइब है व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू सोलर लाइट सिस्टम, इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, इट इज नॉट द मैटर ऑफ द पोजीशन ऑन द अर्थ। If the environment is full of ice, if ice is, it is flooded in ice, then the conditions will be entirely different because it will be reflection and refraction both. In that case, not only the colors of the sky will be different, but you shall find number of rainbows on the sky. So the color is majorly due to rainbow only. And again, it depends on the density of the snow. If density of snow is different, the major color will be your orange color. So your entire sky will look like orange. Sometimes density will be different, it will look like green. So all will be your, it depends on the density of the snow on which you can find the color of the sky. But yeah, definitely. In clear sky, in clear earth, you will not find any color other than blue sky. Whatever you are saying is a very specific light-oriented case. Maybe somewhere in Norway or only or where it is not. It is full of things. Not other. Clear sky, clear atmosphere, you shall find no color other than blue. Yes. First is the
Entirely fluoride depends on the sun by the process of photosynthesis. And photosynthesis are resource by which we take this oxygen and giving out the carbon dioxide. So the information you have given about the sun is fantastic. Because if there is no sun, no plant. If there is no plant, no life. So that will be a lot of the world climatic changes will occur. Secondly, you have told a very nice thing about the sun. अनुरोध करती हूँ